Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज हम देखेंगे कैसे हम GUI application के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना? तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो CUI based थे. CUI stands for Character User Interface. GUI stands for Graphical User Interface, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और उसका नाम रखता हूं जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग ग्राफिकल, ये इसको करते हैं GUI टेस्ट, ठीक है ना? फिनिश. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है ना? अगर बाय चांस आपसे प्रोजेक्ट फाइल ये मिस हो जाए तो आप विंडोज में जाएंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ठीक है ना? और ये यहाँ पर सेट हो जाता है, ये आप इसको डॉक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास इस बार जो है जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग GUI टेस्ट, ठीक है? यहाँ पर एक मेन क्लास बनकर आ गई है, ठीक है ना? सिंपल जो क्लास होती है. लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी GUI यानी जावा फ्रेम यूज करना है. तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पैकेज के ऊपर न्यू आएगा. न्यू के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जावा क्लास, जावा पैकेज, जावा इंटरफेस, जावा पैनल, और ये हमारा जावा जे फ्रेम फॉर्म. तो इसको आपको बेसिकली क्लिक करना है, तो है ना? टेस्ट सम कंट्रोल्स, मैं अपनी क्लास का नेम रख लाऊं टेस्ट सम कंट्रोल्स, और इसको फिनिश करता हूं. तो आप देखेंगे ऐसे एक फ्रेम आपका आ जाएगा और साइड में आपको एक पैनल पैलेट मिलेगा और नीचे प्रॉपर्टीज मिलेगी. मैं एक बार इनको हटा देता हूं, ठीक है ना? और यहां से इसको क्लोज कर देता हूं सब चीजें. बाय चांस ये आपके पास नहीं है पैलेट एंड प्रॉपर्टीज, तो ये कहां से आती है? विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास होगा एक IDE टूल. IDE टूल में पैलेट है, तो ये पैलेट आ जाएगा आपका. और वापस IDE टूल में जाएंगे आप, वहीं पर प्रॉपर्टीज है, तो ये प्रॉपर्टीज आ जाएगी. इनको डॉक कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा ऐसे. तो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है स्विंग कंटेनर्स, स्विंग कंट्रोल्स, स्विंग मेन्यूज, स्विंग विंडोज एंड स्विंग फिल्टर्स, AWT एंड Beans, ठीक है ना? AWT बेसिकली हमारे पास सेम हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है जो स्विंग कंट्रोल देता है, ठीक है ना? इन दोनों में बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा ओल्ड बेस्ड है, ठीक है ना? और इनका जो लुक लाइक है ये थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन है, ठीक है ना? उसी का लेटेस्ट वर्जन जो है या देखें हमारे पास स्विंग्स में अवेलेबल है, ठीक है ना? दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं ये भी दिखाऊंगा. ये अल्टीमेटली हमारा फॉर्म है, इसका आप साइज जो है वो रख सकते हैं, ठीक है ना? हर एक कंट्रोल के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे. जैसे जे फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक किया तो मैंने जे फ्रेम की प्रॉपर्टीज में आ गया, ठीक वैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको सेम जे फ्रेम की प्रॉपर्टी दिखाई देगी. जैसे ये मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्टेड जे फ्रेम आ रहा है. कुछ बेसिक सेटिंग है, जैसे अगर टाइटल में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइटल लिखेंगे तो आ जाएगा. तो मैं एक बार यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ. ऐसे ये प्रीव्यू करके आपको फ्रेम दिखेगा. अगर आप टाइटल यहाँ पर ऐड कर देंगे जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मैंने टाइटल किया है जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, वापस आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर ऊपर टाइटल में लिखा आ जाएगा जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ठीक है ना? और यहाँ पर तीन चीजें आ रही हैं आपके पास, सोर्स, डिजाइन एंड हिस्ट्री, ठीक है ना? तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डिज़ाइन है एंड सोर्स है. तो ये जो फ्रेम है, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास ये सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है ना? तो यहाँ पर पैकेज है, हमारी क्लास है टेस्ट सम कंट्रोल्स, उसने एक्सटेंड किया है जावा एक्स बेसिकली हमारा पैकेज है, उसमें स्विंग अवेलेबल है, स्विंग एक सब पैकेज है, और जे फ्रेम को हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है अल्टीमेटली, ठीक है ना? ये हमारा सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें init component करके एक मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पर हमारा public static void main है, ठीक है ना? और
हमने ये यहाँ पर इवेंट क्यू किया है यहाँ पर और रन को कॉल किया है, ठीक है ना। तो हमारा अल्टीमेटली ये ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर मैं इसको एज इट इज कंपाइल करूंगा तो रन में जाता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे आउटपुट दिखाई देगा मेरा एक जे फ्रेम का, ठीक है। ये अभी एम्प्टी है, हमने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है, तो ऐसे आपको ये दिखाई दे रहा है। इसको क्लोज कीजिए और डिजाइन में जाकर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जीयूआई एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ कंट्रोल से, ठीक है ना। तो ये कुछ कंट्रोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं एक लेबल ले रहा हूँ, मैंने लेबल के ऊपर क्लिक किया है और क्लिक करके जस्ट उसको यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ पर भी मुझे उसको रखना है, ठीक है ना। एक यहाँ पर मेरे पास है टेक्स्ट फील्ड, मैं टेक्स्ट फील्ड ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं उसको साइज, ठीक है, मैनेज कर सकता हूँ सिंपल। और इसको एडिट करता हूँ, सिंपल F2 से एडिट हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप नेम लिख सकते हैं और वापस टेक्स्ट फील्ड को एडिट कीजिए और उसको एम्प्टी कर दीजिए, तो ये ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है ना। हर एक कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे, उसका वेरिएबल नेम आएगा जिसके साथ बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे हम वेरिएबल सेट करते थे, ऐसे ही हर एक कंट्रोल का यहाँ पर एक वेरिएबल नेम है। तो इसका बाय डिफॉल्ट जो नेम आएगा वो आएगा जे टेक्स्ट फील्ड 1, ठीक है ना। आप दूसरा टेक्स्ट फील्ड लेंगे तो उसका नाम आएगा जे टेक्स्ट फील्ड 2, ठीक है ना। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक बटन ले लेते हैं और मैं यहाँ पर बटन का भी नेम चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, सबमिट, ठीक है ना। और इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। राइट क्लिक करके सोर्स में जाकर आप रन फाइल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपका एक जीयूआई फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। एक नेम आ गया है, टेक्स्ट फील्ड आ गया है, टेक्स्ट फील्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट के ऊपर अल्टीमेटली क्लिक करके क्या करना है, क्या होता है, ये सब चीजें हम अल्टीमेटली देखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपनी जीयूआई एप्लीकेशन यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। जितना अच्छा डिजाइन आप करेंगे उतना अच्छा आपका प्रोग्राम बनेगा, आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली नेटबीन्स में हमारा पार्ट बेसिकली ओवरव्यू देना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर JDBC कवर करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको 1 by 1। अगर मैं इस बटन के ऊपर कुछ तो भी वर्क करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके इवेंट्स में आना होगा। हर एक कंट्रोल का अपना एक इवेंट होता है, तो सब कुछ कॉमन इवेंट्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली बटन के ऊपर क्लिक होता है, क्लिक एक एक्शन है, तो यहाँ पर जाएंगे हम इवेंट और इवेंट में एक्शन है और एक्शन में एक्शन परफॉर्म है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं सोर्स कोड में चला जाऊंगा और मुझे जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म करके एक यहाँ पर प्राइवेट मेथड दिख जाएगा। इस मेथड के अंदर मैं जो भी प्रोग्रामिंग करूंगा, जो भी कुछ लिखूंगा, वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होगा जब मैं रन टाइम पर उस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। तो ये मेरे पास मेरा एक लेबल है, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है ना। मैं एक लेबल और ले लेता हूँ नीचे। मैं बस एक छोटी सी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, जो भी मैं रन टाइम पर यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करूंगा वो डेटा उठकर इस लेबल में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इस लेबल के अंदर वो सेट हो जाए, जे लेबल 2 जो लिखा है वो हट जाए और नया डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मुझे सोर्स कोड में जाना होगा और मैं बटन के ऊपर क्लिक करना है। मुझे अब वैल्यू उठाना है टेक्स्ट फील्ड से, तो टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठाना है तो गेट करना है वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, मेरे टेक्स्ट फील्ड का नाम है जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना। और डॉट लगाकर मैं यहाँ से एक गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करूंगा, गेट टेक्स्ट। तो क्या होगा, जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो गेट होकर str में चला जाएगा। अब str का जो डेटा है मुझे लेबल में डालना है, जे लेबल 2 जो है, तो मैं लिखूंगा जे लेबल, मेरे पास जे लेबल 1 है जिसमें नेम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कहाँ पर उसको बेसिकली सेट करना है, जे लेबल 2 है। तो गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट एक कॉमन मेथड्स हैं यहाँ पर जिनके साथ हमें डील करना है, सेट टेक्स्ट, ठीक है ना। ठीक वैसे ही है जैसे हम गेटर एंड सेटर हमने कोर प्रोग्रामिंग में देखा है। तो मैंने वहाँ पर क्या सेट कर दिया, str, बस इतना सा मैंने वर्क किया है। तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम जो है काफ़ी डायनामिक हो गया है, ठीक है ना। रन टाइम पर हम आ गए यहाँ पर और हम यहाँ पर लिख रहे हैं जावा
एक्सपर्ट ट्रेनिंग। तो इस बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग यहाँ से जो है उठकर यहाँ पर लेबल में पहुंच जाएगा जो कि हमने कोडिंग की है। तो जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। अब आप सोचिए, ये बहुत छोटा सा मैंने प्रोसेस किया, इसके अकॉर्डिंग आप कितने सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इंटीजर के साथ डील करके देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां से वैल्यू उठाना चाहता हूँ, कोई भी वैल्यू है मेरी, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। उस वैल्यू को उठाकर मुझे यहाँ पर रखना है और इंटीजर में मुझे पेस्ट करना है अल्टीमेटली। तो मैं स्ट्रिंग हटाकर यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंट करूंगा मुझे एक एरर आ जाएगा, ठीक है ना। एरर क्या है, एरर को देखने के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक कीजिए, तो वहां पर दिख जाएगा चेंज टाइप टू, ये ऑप्शन दिखा दे रहा है। और सिर्फ कर्सर उसके ऊपर लेकर जाएंगे तो वो आपको एक एरर बताएगा अल्टीमेटली, इनकम्पैटिबल टाइप्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। देखो जो ये गेट टेक्स्ट है, ये बेसिकली मुझे क्या रिटर्न करता है, ये मुझे रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, इंटीजर। तो मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक स्टैटिक मेथड है पार्सिंट। पार्सिंट जो मेथड है वो इंटीजर क्लास का है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर, ठीक है ना, डॉट पार्सिंट, ठीक है ना। पार्सिंट एक स्टैटिक टाइप का मेथड है और उसके अंदर मैं पास करूंगा हमारा जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो अब जो भी गेट टेक्स्ट में जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो पार्स हो जाएगी इंटीजर में और एक्स में यहाँ पर रिसीव हो गई, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स को पास कर देता हूँ। अब एक्स में वापस से मुझे एक एरर आ रही है, मैं देखूंगा। अब वो बोल रहा है कि इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। बेसिकली क्या है, सेट टेक्स्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट सेट करना है, लेकिन हम क्या सेट कर रहे हैं, वहां पर हम एक्स को पास कर रहे हैं। एक्स जो है इंटीजर टाइप का, इसलिए वो अर्थ दे रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। हमने ऑलरेडी मेथड पढ़ाया, जब हमने आपको स्ट्रिंग बताया था तो दो चीजें बताई थी, एक टू स्ट्रिंग और एक बताया था स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो यहां पर हम कॉल करेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे मेथड आ गए हैं, आपको वैल्यू ऑफ कैसे कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है, बुलियन से कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर से करना है, या फिर आपको इंट से करना है। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। तो मैं इंटीजर वाला ले ले रहा हूँ और इंटीजर में हमने पास कर दिया एक्स। अब जो एरर थी वो आप देखेंगे, वो एरर नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसे सेट कर देते हैं और अब क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे फाइल को, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल लीजिए, वो वहाँ पर सेट हो जाएगी। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू थी लेकिन जब आपने सेट की तो ये यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। चलिए मैं इसके साथ कोई ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, x इज इक्वल्स टू x प्लस 10। तो अब जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस 10 होकर x में सेट हो जाएगी। चलिए इसको वापस से देखते हैं एक बार, मैंने पास किया है यहाँ पर 20, तो 20 प्लस 10 क्या होगा, 30, 30 हमें रिजल्ट आ गया है। तो एक तो मेथड हो गया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। दूसरा मेथड देख लेते हैं क्या है, दूसरा मेथड बड़ा सिंपल है, हमें एक्स लिखना है, किसी के साथ भी कॉन्केटिनेट करा दीजिए, ठीक है ना। किसी स्ट्रिंग को अगर किसी इंटीजर के साथ, डबल के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉन्केटिनेट करा देंगे डबल क्वोट्स में, तो वो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो अब वो एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। वापस से एक बार कंपाइल करके प्रोग्राम चेक करते हैं। यहाँ पर मैं 34 लिखता हूँ, 34 प्लस 10 विच इज 44। सिंपल हमारा प्रोग्राम हो गया। अब आप एक छोटा सा प्रोग्राम अगर आपने बनाया है तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि कितने सारे प्रोग्राम आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेक इवन ऑड कर सकते हैं, प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक कर सकते हैं, पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग नंबर, जितने क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं वो सब यहाँ पर आप अल्टीमेटली चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये सब काम हमने किए हुए हैं, इनको यहाँ पर साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये तो यहाँ पर हो गया, फ्रेम का साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। ये जो कंटेनर्स होते हैं, या अलग अलग टाइप के कंटेनर्स हैं, आप इनको वन बाय वन चेक कर लीजिएगा। मैं सिर्फ पैनल ले ले रहा हूँ। पैनल एक कंटेनर है जिसमें आप मल्टीपल कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है ना।
तो वापस से एक लेबल लेता हूँ, लेबल को एडिट करता हूँ, नंबर, एक टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ वापस, और ये नंबर एंटर प्रेस करता हूँ और इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बटन कॉल क्लिक करते हैं, बटन को कहते हैं चेक प्राइम, ठीक है। और वापस से एक लेबल ले लेते हैं, इस लेबल में यहाँ पर रखते हैं हम रिजल्ट, ठीक है ना। और एक और लेबल लेते हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, लेबल 5 के अंदर हमें रिजल्ट सेट करना है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, हर एक की आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉन्ट है, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज है। अल्टीमेटली ये आपका होमवर्क है, आप वन बाय वन जैसे भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ फॉन्ट चेंज करके एक बार दिखा दे रहा हूँ। फॉन्ट है, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कोई दूसरा फॉन्ट, जैसे मैंने ये ले लिया है, इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपका ये रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए चेक प्राइम के ऊपर क्लिक करते हैं। किसी भी कंट्रोल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक्शन परफॉर्म वाला जो हमारा इवेंट था वो बेसिकली इनेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ आ जाऊँगा, ये एक्शन परफॉर्म में आ जाऊँगा, कौन से वाले बटन के, जे बटन 2 के ऊपर, ठीक है ना। तो अब मुझे एक इंट वैल्यू लेनी है, इंट एक्स, और कहाँ से लेना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 से, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है ना। और वापस से हमें एरर आ रही है क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो हमें सेम प्रोसेस करना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है ना, पार्स इंट हमने कॉल कर लिया है। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ विच इज आई, फोर लूप लगाता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन एक्स एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। चलिए, अब हमने जो हमारा प्राइम चेक करने का जो सिंपल प्रोसेस है हम वही फॉलो कर रहे हैं। मैं कंडीशन यहाँ पर चेक करता हूँ, एक इफ अगर एक्स को मोड कर दिया जाए आई से और इक्वल्स टू 0 हो जाता है, यानी अगर वो उसको डिवाइड कर देता है, तो मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को ब्रेक कर देता हूँ और बाहर आकर, लूप से बाहर आकर मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा कि अगर आई की वैल्यू इंक्रीज होते होते एक्स के बराबर हो गई होगी, विच मीन्स वो किसी से नहीं कटा, ठीक है ना, तो हम जे लेबल 5 में सेट करेंगे सेट टेक्स्ट प्राइम, ठीक है ना, और एल्स में वापस से जे लेबल 5 में सेट करेंगे नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम, ठीक है ना। इसका प्रोग्राम को सेव करेंगे, वापस से इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया है। मैं एक नंबर डालता हूँ विच इज 7, चेक प्राइम प्राइम, मैं यहाँ पर 9 एंटर करता हूँ नॉट अ प्राइम, 11 एंटर करता हूँ प्राइम, ठीक है ना, 12 एंटर करता हूँ नॉट अ प्राइम। बहुत सिंपल आपने देख लिया है, ठीक है ना, एक जीयूआई एप्लीकेशन हमने प्राइम चेक करने की बना ली है। ऐसे ही आप मल्टीपल जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और बहुत ज़्यादा एक आपको काम करने की ज़रूरत है नेटबीन्स के ऊपर। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छे आपकी स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो जितने हमने फोर लूप के, वाइल लूप के, और जितने भी इफ एल्स के कंडीशंस जो हमने क्वेश्चंस दिए, वो सब आप इस तरह की एप्लीकेशंस बनाकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए और दे देता हूँ, ये तो सब आपको करना ही है, ठीक है ना। एक और मैं आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक जे फ्रेम लगा रहा हूँ, और आपको क्या करना है, एक कैलसी बनाना है, जावा एक्सपर्ट कैलसी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये, और इसमें क्या करना है, जैसे आपका एक नॉर्मल कैलसी होता है, ठीक है ना, ये एक कैलकुलेटर है जिसमें एक ये नंबर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनको आपको यहाँ पर बेसिकली रखना है। ऊपर वाले जो ये हैं m प्लस m माइनस, इनको अवॉइड कर दीजिए,
स्क्वायर को भी अवॉइड कर दीजिए स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये सब जिनके ऊपर मेरा कर्सर ओवर हो रहा है, इनको आप अल्टीमेटली लेकर यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए जैसे सिंपल 8 × 9 = 72 है, ये जो ऊपर आ रहा है ये अभी आप नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, बस मुझे अल्टीमेटली ये सेम चाहिए, ठीक है ना। आपको ये वन बाय वन को सी लगाना है। अब मान लीजिए मैंने बहुत सारी इंटीजर लगाने हैं, उनको एक बैक स्पेस करना है, ऐसे ऐसे करके ये सेम फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए, है ना। ये आपके कैलकुलेटर में होनी चाहिए, पॉइंट आपके कैलकुलेटर में होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आपको एक एग्जाम्पल बनाकर अल्टीमेटली चलना है, -5 = 91.6, ठीक है ना। चलिए तो ऐसे आपको एक कैलसी डिजाइन करना है। तो बेसिक आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी आपको खुद से कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड जिसको हम बोलते हैं, तो टेक्स्ट फील्ड लेंगे और उसको सेट कर देंगे हम पूरी स्क्रीन तक और थोड़ा साइज बड़ा रखेंगे उसको, ठीक है ना। और इसको यहाँ पर जाकर हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, बोल्ड और 18 तक ले लेंगे उसको, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमें चाहिए राइट हैंड साइड, ठीक है ना, राइट हैंड साइड ले लेंगे। और एक और चीज देखेंगे, एडिटेबल आप इसको नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जब रन करेंगे तो ये एडिटेबल नहीं होगा, इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे कुछ भी। फिर वापस आपको क्या करना है, एक बटन ले लेना है, ठीक है ना। इस बटन को आप एक बार डिजाइन कर लीजिएगा, एडिट कीजिए, यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है ना, और ये आ गया। वापस से आप इसका साइज जो है थोड़ा 18 तक पहुंचा दीजिए और थोड़ा ज्यादा ले लीजिए 36, ये आ गया आपका 1, ठीक है ना। इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और इसके बराबर में ऐसे रख दीजिए, इसको वापस से एडिट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट कीजिए, एडिट कीजिए 3, कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक है ना, और यहां पर आप इसको रख लीजिए मल्टीप्लाई, विच इज मल्टीप्लाई के लिए हम लगाते हैं ये वाला साइन, ठीक है ना। और ये हमारा इसके अकॉर्डिंग फ्रेम का साइज यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इन सब बटन्स को एक बार कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए एज इट इज, इनको नीचे लेकर आ जाइए, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट कीजिए, वापस इनको नीचे लेकर आ जाइए, ठीक है ना, और एक और बार कॉपी पेस्ट कीजिए और वापस इनको नीचे लेकर आ जाइए। अब ये जो था इसको आप बना लीजिए प्लस, ठीक है ना। प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा साइज इसका कम करते हैं, 36 की जगह इसको 32 कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लस आपका आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल एक्स यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया ये, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको कीजिए आप 0, ठीक है ना। अब इसको हम सोर्स कोड में जाकर कंपाइल करेंगे, रन करते हैं फाइल को, और हमारा एक कैलकुलेटर यहाँ पर ऐसे तैयार होकर आ गया है, ठीक है ना। मैंने वर्किंग नहीं की है, ठीक है ना। जब 1 प्रेस करेंगे तो ये वाला 1 यानी गेट टेक्स्ट होकर इस J लेबल के अंदर सेट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। मैं एक प्रोग्राम आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, एक सिंपल बटन के ऊपर वर्क करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आपको खुद से करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा जे बटन 1 एक्शन परफॉर्म। तो हम क्या करते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है ना, सेट टेक्स्ट कर रहे हैं। क्या टेक्स्ट करना है, जे टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी पड़ा है डॉट गेट टेक्स्ट, पहली बार में तो कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्कैटिनेट करते हैं जे बटन जो हमारा 1 है, बटन डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है ना। से बस इतना सा कोड आपको लिखना था, और आप इसको रन करके देखेंगे, और ये यहाँ पर 111 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना, कितना भी 1 प्रेस कीजिए। सेम कोड अगर आप कॉपी कर लेंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो ये यहाँ पर 2,
इस बार क्या करना है, सिर्फ आपको जे बटन 1 से जे बटन 2 को कॉल करना है, ठीक है ना। तो वापस से रन करके देखते हैं, और ये 1, 2 दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये सारे 9, 10 बटन्स के ऊपर वर्क कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आपको एक ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ मैं, प्लस वाला, ठीक है ना। उसके उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर अपनी क्लास में, जैसे हम नॉर्मल क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर एक ले लीजिए स्ट्रिंग first फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू, ठीक है ना, कॉमा ऑपरेटर हमने जो है क्लास वेरिएबल्स बनाए हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। जब मैं इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जो टेक्स्ट फील्ड में मेरे पास वैल्यू है, विच इज एक मेरे पास वेरिएबल है फर्स्ट वैल्यू, तो जो ऑलरेडी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स में है जे टेक्स्ट फील्ड 1.getText वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और जो ऑपरेटर हमने बनाया है उसके अंदर क्या होगा, जे जो बटन हमने क्लिक किया है, विच इज जे बटन, कौन सा बटन था हमारा ये 8, जे बटन 8, ठीक है ना, डॉट गेट टेक्स्ट हमारा ये वहां पर स्टोर हो जाएगा। और जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो अब एम्प्टी हो जानी चाहिए, टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर हम इसको एम्प्टी कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब इतना सा प्रोग्राम अगर इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट देखिए क्या आया है, 1, 2, 1, ठीक है ना। प्लस क्लिक करेंगे तो प्लस के बाद क्लिक करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू में जो भी यहाँ पर हमारी डिजिट थी वो कहाँ चली गई है, फर्स्ट वैल्यू में। और ऑपरेटर में ये जो ऑपरेटर मैंने क्लिक किया है ये वाला साइन जो है वो ऑपरेटर में जाकर स्टोर हो गया। उसके बाद मैं वापस से कुछ वैल्यू डालूंगा और थर्ड वर्क करूंगा मैं इज इक्वल्स टू वाला, ठीक है ना। अब मुझे क्या काम करना है, इज इक्वल्स टू के ऊपर काम करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वैल्यू में मैं जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है ना। और अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है इफ, और चेक करना है जो मेरा ये ऑपरेटर था जो भी सिलेक्ट हुआ था डॉट इक्वल्स, अगर वो इक्वल होता है किसके, प्लस के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, अब मेरे पास एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ एंड इंट आर ई एस रिजल्ट, मैं 0 डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आर ई एस में इंटीजर, आप एक काम भी कर सकते हैं, आपने जैसे यहाँ पर एक और इंट ले लीजिए विच इज फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है उसको पार्स करके F1 में ले लीजिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम सेकंड वैल्यू के लिए SV सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास अब कन्वर्ट कर लिया आपने फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। यहाँ पर आके सिंपल आप वर्क क्या कीजिए, जो आपका RES रिजल्ट है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। और नीचे आकर आप क्या करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड में डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे जो भी आपकी रिजल्ट वैल्यू आई है, और एक साइन लगा देंगे कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है ना, सिंपल। एल्स इफ लगाकर आप ये काम जब आप सबट्रैक्ट के लिए कर रहे होंगे तो सबट्रैक्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये सबट्रैक्ट वाला आ जाएगा। मैं इसको नहीं करूँगा, ये काम मैं अल्टीमेटली आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ प्लस वाला ऑपरेटर आपको करके दिखाया है। तो वापस से इसको रन करते हैं फाइल को, तो आप देखेंगे अब यहाँ पर 1, 2, 12 हो गया है,
फिर मैंने प्लस किया है और फिर उसके अंदर मैं डाल दे रहा हूँ 2, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो इज इक्वल्स टू करेंगे यहाँ पर आपको 14 आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। ऐसे ही आप माइनस के ऊपर वर्क कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के ऊपर वर्क कर सकते हैं, डिवाइड के ऊपर वर्क कर सकते हैं, आपको पॉइंट यूज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप मैंने नहीं लगाए हैं, जैसे हमारे कैलसी में था, ठीक है ना, ये वाला ऑपरेशन जो बैक स्पेस वाला है ये आपको करना है, और क्लियर ऑल वाला ऑप्शन, ये सी और बैक स्पेस आपको अल्टीमेटली कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है ना, एक छोटा सा आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, मिनी प्रोजेक्ट, तो आप इसके ऊपर वर्क करिए, ठीक है। आई होप कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई है यहाँ पर, कैसे ये सब प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना, कैसे आपको जे फ्रेम लेना है, ठीक है ना। एक चीज मैं बताकर चलता हूँ, जब भी आप फाइल लेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, एक जे फ्रेम है और एक जे पैनल है, तो आप ध्यान रखिए आपको जे फ्रेम फॉर्म लेना है, जे पैनल नहीं लेना है। जे पैनल वो होता है जब हमने अभी अभी टेस्ट करके देखा है, ठीक है ना, तो जे फ्रेम आपको हमेशा यूज कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।